मैसेल्फ नेहा। आज का हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक न्यू टॉपिक है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। अब हम बात करें एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो फिर हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं अपनी सभी उसको लायबिलिटीज को देखते हैं, एसेट्स को देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ जनरल रिजर्व पड़ा है। जनरल रिजर्व का मतलब है कि हम अपने प्रॉफिट जो होते हैं, हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं, हम उसमें से सारा का सारा पार्ट जो है डिवाइड नहीं करते अपने पार्टनर्स के अंदर, उसमें से एक पार्ट बचा के रख लेते हैं, तो हम उसको जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर कर देते हैं। और भी हमारे पास काफी ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह होते हैं, तो जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है या कोई डिसीज पार्टनर होता है तो उस टाइम भी हम चेक करते हैं अपनी सभी बैलेंस शीट में, देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स जो है हमारे पास है। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, जितना भी हमारे पास रिजर्व पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, हम सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो सभी पार्टनर्स को ही हम क्या करते हैं, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या जनरल रिजर्व का बैलेंस है या रिजर्व फंड का बैलेंस है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई ये पार्टनर तो रिटायर हो रहा है, इस पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सभी पार्टनर्स को मिलता है, वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में था, हम उसमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस तरीके के एडजस्टमेंट करते थे। बट रिटायरमेंट वाले चैप्टर में अब ये जो पार्टनर हमारे बिजनेस छोड़ के जा रही है तो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में था ना, तो उसने भी एफर्ट्स किए होंगे उस चीज के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज जो है वो होती है। तो सबसे पहली एंट्री है हमारे पास फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मिलेगा किसको, हमारे पार्टनर्स को। तो हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट होता है, यानी उसके अकाउंट में कुछ पैसा जाने वाला है, और किसकी वजह से पैसा जाएगा उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जाएगा किसके पास, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर्स में जो हमारा रिटायर्ड पार्टनर है वो भी इंक्लूड होता है, रिटायर्ड पार्टनर ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है। इसमें हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिवाइड करते हैं। मान लो हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी, और मान लो बी इसमें से रिटायर हो रहा है, तो अब ये नहीं है कि इसको मिलेगा नहीं ये जितना भी हमारा जनरल रिजर्व वगैरह है, ऐसी बात नहीं है, ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की जगह क्या आ जाएगा, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, इनकी जितने भी ओल्ड रेशो दे रखे। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखी है, हमने उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने रिटायर्ड पार्टनर को छोड़ दिया, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, उस रिटायर्ड पार्टनर को भी वो चीजें जो है देनी है। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये जो है इसकी ये नरेशन में लिखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सेकेंड जो हमारे पास केस आता है वो क्या है, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब ये तो था कि प्रॉफिट्स हैं, अब ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है ये इसका एक क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है पीएनएल का तो यानी कि वो प्रॉफिट है, अगर वो क्या है डेबिट बैलेंस है तो यानी कि वो क्या होता है लॉस होता है। तो इसके हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स, देखिए अगर पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ पैसा जाता है तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, अब उसके अकाउंट से पैसा निकलने जा रहा है तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये नहीं है कि हमने रिटायर्ड पार्टनर से कुछ नहीं लेना, हम उससे भी लेंगे, तो यहाँ पे सभी पार्टनर्स का इसी तरीके से आ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसकी वजह से हुआ, टू पी एंड एल अकाउंट, ये जो है डेबिट बैलेंस की वजह से हुआ।
और इसको भी हमने ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगी हम उस पर करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे नरेशन लिखने में जरूरी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये तो था कि प्रॉफिट्स की एंट्री कैसे करी, ये है लॉस की एंट्री कैसे करी। एक हमारे पास बैलेंस शीट वगैरह में दे रखे होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंड्स या सरप्लस, जिसको हम कुछ अगर हमारे पास लायबिलिटी अराइज हो जाती है उसको हम तभी यूज करते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करते। अगर हम उस लायबिलिटी आने पे उस फंड को यूज कर लेते हैं तो ठीक है, अगर उस लायबिलिटी मान लो उतने की नहीं आए जितने का हमने फंड बना रखा है तो जितना पैसा बच गया वो किसको दे देंगे हम, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था, ओल्ड पार्टनर्स में उसको डिवाइड करते थे, बट रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हम रिटायर्ड पार्टनर को भी इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। तो अब इसमें क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, यानी कि जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं अगर उसमें से उनको कुछ भी नुकसान हुआ तो हम उसको कंपनसेट कर देते हैं। मान लो इसमें से हमारे पास 10,000 का था, हमने उसमें से यूज कर दिया 6,000 का, तो 4,000 तो अभी भी बचे हुए हैं, तो 4,000 यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स जो है हमने ज्यादा का बना लिया और उतनी लाइबिलिटी जो है राइज नहीं हुई तो हम उसको भी यहाँ लिख लेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक फंड्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, एक्सेस का मतलब होता है कि जितने भी ज्यादा रह गए यानी जितना हमें यूज करना था हमने वो कर लिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हमने वो ओल्ड पार्टनर्स में कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है कि जो रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर है हमने उसके अकाउंट में भी वो जर्नल एंट्री जो है वो की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।